भाई ये म्यांमार जाने वाले रास्ते तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सदियों से इन पे कोई चला नहीं होगा। ही हुम ही इंग इंग निंगे नी कैंपिंग सेंटर, कितने शानदार व्यू है यार। ठीक है, इंडो म्यांमार रोड दोका पेक आ नेगी आनी। म्यांमार का बॉर्डर है ना, बीच में एक ब्रिज पड़ता है, तो उस ब्रिज तक तो हम लोग विदाउट किसी रोक टोक के जा सकते हैं। उससे आगे जाने के लिए परमिशन लगता है। मेरे को ना म्यांमार के अंदर एक लेक है, उस लेक में जाना है। चंपाई से जाएंगे हम लोग म्यांमार की तरफ को। आराम से जाएगा। ओके। चंपाई के लिए चार गंदा हो गया। ओह। I don't know. You don't know? Yes. You are from here? Yes. भाई सुबह सुबह ना फ्रेश होने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, कोई जगह ही नहीं मिल रही। एक मिला भी था वॉशरूम, उसमें ताला लगा हुआ है, तब समझ नहीं आ रहा क्या करें। मेरा मन था यहाँ पे थोड़ी देर रुकने का, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि यहाँ से निकलना पड़ेगा कहीं फ्रेश होने के लिए। जाने के लिए ना तो अपना सारा सामान वगैरह छोड़ के जा नहीं सकते, तो निकलते हैं यहाँ से। कल रात को हमने यहाँ पे कैंपिंग करी थी, देख रहे हो ये शेड बनी हुई थी, यहाँ पे हमारे दोनों टेंट आराम से लग गए थे। और इसी के पीछे जस्ट यहाँ पे एक लेक है, वैसे ना ये हेलीपैड है और ये ना एक पिकनिक स्पॉट भी है। मतलब यहाँ पे सुबह से लोग आए जा रहे हैं, देखो कुछ लोग वहाँ सामने ऊपर देख रहे हो टॉप वहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग इधर आए थे अभी बैठने के चले गए, और कुछ लोगों पर सामने वो वाला टॉप दिख रहा है वहाँ पे अपना गाड़ी वाड़ी लगा के बैठे हुए थे, कुछ लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। मतलब ये लोगों का ना अड्डा भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पे काफ़ी सारे आते हैं। तो चलो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, सारा सामान अमान गाड़ी में पैक कर लिया है। यहाँ पे कल रात को हम लोग रुके थे और आज ना भाई लोग हम चंपाई जाने वाले हैं। चंपाई में ना बहुत मजा आएगा क्योंकि वहाँ पे भाई पूरी म्यांमार वाली वाइब आने वाली है, क्योंकि चंपाई म्यांमार से बिल्कुल सटा हुआ है और हम लोग ना भाई म्यांमार में भी एंट्री करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, व्लॉग में पूरा एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग चैनल पे आने वाले हैं। आने वाली जो सीरीज है ना वो मणिपुर की है, बहुत क्रेजी सीन होने वाले हैं मणिपुर के, बहुत कुछ प्लान किया हुआ मणिपुर के लिए। ऐसी कुछ लोकेशन थी खूबसूरत सी, ये वैसे एक हेलीपैड भी है, यहाँ पे एक हेलीपैड था, यहाँ पे एक लेक थी और काफी सारे यहाँ पे व्यू पॉइंट है। बेस्ट लोकेशन थी भाई कैंपिंग के लिए, बहुत मजा आया, पूरी रात ठंड लगती रही और यहाँ पे मौसम ना थोड़ा ठंडा भी है, तो अपना जैकेट वैकेट ना ये थोड़ा सा ठंडे वाले कपड़े निकाल लिए, बहुत दिनों से बैग के अंदर पड़े हुए थे, निकल नहीं रहे थे, आज निकल ही गए फाइनली। चलो निकलते हैं यहाँ से। टिकलो भाई चले, कैसा है, गुड मॉर्निंग, मजा आ रहा है राइड में, चलो फिर निकलो, हम भी निकलते हैं। चलो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, बड़ा मजा आया यार, काफी अच्छी जगह थी। चलो अभी देखते हैं, अभी रास्ते में ना कल रात को जो भाई हमको यहाँ पे लेके आया था ना उससे मिलते हुए चलेंगे, कल रात को हमने उसी की दुकान पे खाना खाया था। ओ वाओ क्या सुंदर जगह यार, मिजोरम जब मैंने एंटर किया था ना ऐसा, तभी मुझे पता लग गया था कि मिजोरम भाई साहब अलग ही वाइब है। मिजोरम में पूरे इंडिया में सबसे अलग वाइब है भाई मिजोरम में। What happened? क्या हुआ इधर भाई, यहाँ पे क्या होता है ना जैसे किसी की डेथ होती है ना तो पूरे गांव वाले आके उसके घर में बैठे रहते हैं इस तरीके से। और अभी पता है आज इनकी ना पूरी मार्केट ही बंद होगी, कोई मार्केट नहीं खुलेगी आज। तो भाई ये ऊपर से उतर के ना नीचे की तरफ को आ गए हैं, ये एलडगावार का भाई साहब मेन चौक है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे चंपाई की तरफ। इस जगह का नाम भाई ईस्ट ईडगुवार, ई डी गुवार। यहाँ पे लोग तो इतने मॉडर्न हैं, इनके घर भी इतने अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ के रास्ते ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैं भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो सारे भाई लोगों को नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल। मिजोरम की जो राइड है ना भाई मज़ा आ रहा है मेरे को। मिजोरम में लगभग 14 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि 2 महीने हो गए। भाई साहब क्या एक्सप्लोर नहीं किया मैंने मिजोरम में, मिजोरम में सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, सब कुछ मतलब
सारे कल्चर, इनका खाना पीना सब कुछ ट्राई किया। और नॉनवेज में ओनली चिकन, फिश और क्रैब मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन उसके बाद दोबारा मैं क्रैब खाने का मेरा मन नहीं करा। वेलकम टू खाओ जोल डिस्ट्रिक्ट। सो गाइज, हम लोग बियाटे में एंटर कर चुके हैं। ये आज का हमारा दूसरा विलेज है। चंपा ज़्यादा दूर नहीं है, 80 किलोमीटर करीब रह गया है। एक्सक्यूज़ मी चंपाई स्ट्रीट, थैंक यू। यहाँ की लड़कियाँ पता बात नहीं करती है, पता बात क्यों नहीं करती है? क्योंकि मुंह में पान रखा होता है। वो लड़की के मुंह में पान रखा होता है, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। वरना यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं यार, फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। भाई क्या ही खूबसूरत है यार, मैं तो हर वीडियो में बताता हूँ। ओ भाई साहब, इसको क्या हो गया? मतलब मिजोरम का ना हर एक गांव ऐसा लगता है कि कोई हिल स्टेशन होगा। नॉर्थ ईस्ट यार, जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ उतना ज़्यादा सरप्राइज हो रहा हूँ, जितना एक्सप्लोर कर रहा हूँ उतना सरप्राइज हो रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम सिक्किम गया था तो मुझे ऐसा लगा था भाई साहब क्या जगह है ये। और उसके बाद जब मैं मेघालय आया, मैं कह रहा यार मतलब हमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है, इंडिया इतना खूबसूरत है यार। हम वही हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक ही घूम के रह गए हैं, अभी बहुत कुछ है देखने के लिए। भाई अमेजिंग है नॉर्थ ईस्ट यार, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा ना, आपने इंडिया नहीं देखा। मेरे को वर्ल्ड ट्रैवल करना है, तो अपना वर्ल्ड ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पूरा इंडिया अच्छे से घूमना चाहता था, इसलिए मैं नॉर्थ ईस्ट आया। यार मैंने आपको आज कोई नई चीज़ नहीं दिखाई ना, अभी दिखाता हूँ। मिजोरम में इतना कुछ है ना दिखाने को आपको, मिजोरम क्या नॉर्थ ईस्ट में, कि डेली मैं आपको एक नई चीज़ दिखा सकता हूँ। तो आज मैंने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे हर गांव में क्या जंगल में बीचों बीच में आपको दिख जाएगी। मिजोरम में ना पानी की कमी नहीं है, ना ही पीने के लिए, ना ही नहाने धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना इस तरह के काफ़ी सारे ना ये लोग पॉन्ड बना के रखते हैं, जिसमें ये अपना वाटर स्टोरेज करके रखते हैं। और ये इस तरह के वाटर स्टोरेज ना आपको बहुत मिल जाएंगे जगह जगह पर। देखो एक ये रहा, एक वो आगे भी है। तो इस तरह के वाटर स्टोरेज मिजोरम के जगह जगह, मतलब इन्होंने रोडों पे बना रखे हैं, जिस वजह से पानी की तो कोई दिक्कत नहीं होती, खैर अब कभी भी। तो भाई आज की राइड का हमारा तीसरा विलेज, इस विलेज का नाम है स्लेहॉक, और ये भी बाकी के विलेज की तरह भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चलो दिखाता हूँ आपको, क्रेजी किया रे। सामने देखो कुछ ऐसा लग रहा है, आपने वैसे इंडिया में कहीं पे भी इस तरह के गांव, इस तरह के घर देखे हैं? भाई जितना मैंने ट्रैवल किया है मैंने तो नहीं देखे भाई। ऐसे गांव आपको मिजोरम में मिलेंगे, वो भी मिजोरम के एक पार्ट में, पूरे प्रॉपर मिजोरम में, पूरे मिजोरम में भी ऐसे गांव नहीं है, मिजोरम में बाकी साइड में। अगर जैसे आप साउथ की तरफ को जाओगे तो आपको बैम्बू के, लकड़ी के, उस टाइप के घर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कॉन्क्रीट के और फाइबर के घर है। तो हर घर जैसे आपको सामने घर दिख रहा है, चलो तो मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना वो वहाँ पर पहुँच के बताऊँगा। चलो अपना गांव में अंदर चलते हैं यार, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है यार, कुछ खाते हैं। और यहाँ पे पता है इस टाइम अभी क्या मिलेगा? इस टाइम मिलेगा चाय और पूरी, जैसे अपन लोग के भटूरे होते हैं यहाँ पे, उसको पूरी बोलते हैं, वही लोग खाते हैं। अरे कहाँ गए गांव वाले? लगता है ठाकुर के डर से सारे भाग गए हैं, लेकिन एक ठाकुर साहब तो यहाँ पे खड़े हैं। भाई कौन है ये ठाकुर साहब? हेलो, हु इज ही? You don't know? Yes. You are from here? Yes. Can I click photo here? Yes. Okay. भाई ये मेरा ना खराब हो गया, इसकी चूड़ी खराब हो गई है, कल भी मेरे को कहीं नहीं मिला। कल किसी दुकान पे गया तो उसने फेविकोल पता नहीं क्या क्या डाल दिया कि चिपक जाएगा, लेकिन चिपकेगा थोड़ी, रुकेगा थोड़ी, ऐसे भैया इसको रुकना है ना। ये भाई साहब मेरी फिल्म बना रहे हैं। भाई साहब यहाँ भी काम नहीं बना, भाई ने बहुत जुगाड़ लगाने की कोशिश करी। ओके भैया जी, थैंक यू। लेकिन काम बना नहीं हमारा। अब ये भैया मिले हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, तो हमारी स्कूटी में बैठ गए हैं, पता नहीं क्यों बैठ गए। अभी तक आधे घंटे से हमसे बातें कर रहे थे, नंबर ले लिया कि हम तुमको फ़ोन करेगा, मीजो में शादी करो, हमारा मीजो का लड़की बहुत सुंदर है।
ओके बाय बाय। दुकान में आराम से हम चलेगा। हाँ ठीक है बाय बाय। ठीक है बाय बाय। आराम से जाएगा। ओके आपका दुकान? मेरा दोस्त दुकान है। अच्छा यहाँ तो आराम से चंपाई के लिए बहुत चंपाई के लिए चार गंदा हो गया। ओ चलो ठीक है हो गया फिर। ठीक डन हो गया। आराम से ओके जी। भाई देखो यहाँ पे कितने सारे अनानास पड़े हुए हैं, ये किसी के होंगे यार। इनमें इतनी बढ़िया खुशबू आ रही ना भाई, मन कर रहा है कि खा लो इनको। ये देखो भाई साहब, अरे वाह भाई साहब, ऐसी खुशबू आ रही है ना कि कच्चा ही खा जाऊं सालों को। लेकिन ये किसी ने अपने तोड़ के रखे होंगे ना यार, यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकते हैं। भाई मन तो कर रहा है ऐसे खाता रहो इनको बैठ के, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने खाए भी यार, यहाँ के पाइनएप्पल ना बहुत ज्यादा यमी होते हैं, बहुत टेस्टी, मतलब इतना मीठा पाइनएप्पल मैंने कभी नहीं खाया। और राइस भी बहुत निकलता, बहुत जूसी होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पे मेरे को दिख जाए ना, मिल जाए, मैं उसको बोलूँ कि यार एक आध पाइनएप्पल दे दे हमको, खा लेंगे। हाँ भाई क्या करें, कोई आता है तो फिर देखते हैं, वरना दो उठा के ले जाएंगे ऐसी चोरी करके। चोरी नहीं यार, उठा के ले जाएंगे यहाँ से ऐसी। यहाँ पे पाइनएप्पल बहुत सस्ता है यार, 10-20 रुपए का एक मिलता है, उससे भी कम होगा। ऐसे ही लगा। सो गाइस वहाँ पे ना अभी एक भैया आए थे और उन्होंने हमको ना, मैंने उनको बोला कि मेरे को दो पाइनएप्पल चाहिए, तो उन्होंने बोला ले जाओ जो आपको पसंद वो ले लो। हमने ले लिए, फिर उसके बाद पैसे दे रहे थे, उन्होंने पैसे लिए ही नहीं, कह रहे कि आप हमारी तरफ से ले जाओ, इतने दूर से आए हो ना, तो अब दो पाइनएप्पल से हमारा क्या जा रहा है, आप ले जाओ। वेलकम टू खवाई। तो खवाई में हम लोग आ चुके हैं, मतलब कोई सिटी आ चुकी है, तो यार भूख लग रही है, कुछ खाएंगे यार यहाँ पे अगर मिल जाएगा तो। भाई ये कैसी जगह है, यहाँ पे तो दुनिया भर के होमस्टे वगैरह हैं, हमको जाना किधर है, हमको शायद नीचे की तरफ को जाना होगा। ये लग रहा है यहाँ की कोई फेमस जगह है, मतलब ऐसे मैंने मिजोरम में कहीं पे होमस्टे वगैरह देखे, यहाँ पे मैंने कम से कम 3 होमस्टे देख लिए पीछे। हवाई करके जगह यहाँ पहुँचे और यहाँ पे ना एक होटल मिला। भाई बड़ी मुश्किल से उनको समझाया कि कुछ खाने को चाहिए, पहले तो वो कह रही मेरे को क्या काम है। तो यहाँ पे यार बड़ी मुश्किल से उनको समझाया, तो राइस मिला और ये चना। जहाँ पे भी रुका था ना वहाँ पे खाना खा लिया, राइस मिल गए थे और चने मिल गए थे, राइस और चने खा लिए। और भाई साहब वो लेडी भाई बहुत रूड, पहले तो जाते ही मैं उनकी दुकान पे आया हूँ, उन्होंने खाने की दुकान खोल रखी है, तो उनको खुद समझ में आना चाहिए खाना खाने आया, क्या काम से आया है, क्या लेगा, क्या काम है। अरे मैंने कहा यार, मैंने कहा खाना खाना है, आपके पास खाने के लिए कुछ है, चना है, राइस है। भाई बड़ी देर से ना बाइक को खींच खींच के लेके आ रहा हूँ, अब बस हम लोग पहुँचने वाले। अभी एक शहर आया है इसको खाओ जॉल बोलते हैं, ऐसा कुछ दिखता है, देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। लेकिन हम खाउजोल एंटर नहीं करेंगे, खाउजोल जो सिटी है ना वो है भाई, बड़ी सिटी है यहाँ की, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है लास्ट 3-4 दिन से जहाँ भी हम गए हैं। लेकिन हमको खाउजोल नहीं जाना, हमको खाउजोल से पहले ना एक कट अंदर की तरफ को, इस तरफ को हमको उस तरफ को जाना है, हमको जाना है चंपाई की तरफ को। खाउजोल इस तरफ है, चंपाई इस तरफ है, चंपाई से जाएंगे हम लोग आगे म्यांमार की तरफ को। बाकी मज़ा आ गया भाई, मिजोरम ना बहुत खूबसूरत है, मुझे तो ऐसा लगा था कि मेघालय मेरी फेवरेट सिटी बन चुकी, फेवरेट स्टेट बन चुका है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ना उसकी जगह मिजोरम ने ले लिया। सो गाइस हम लोग ना खाउजोल जंक्शन में पहुंच चुके हैं, जंक्शन मतलब ये एक चौराहा है। अब यहां से अगर हमको चंपाई जाना है तो चंपाई के लिए हमको नीचे को जाना पड़ेगा, लेकिन हम नीचे को अभी नहीं जा रहे क्योंकि पहले गाड़ी में तेल डलवाना भाई, तो खाउजोल में पेट्रोल पम्प मिल जाएगा। चलो भाई फाइनली पेट्रोल पम्प, 107.65। ओके ओके भाई सब तो बड़े खतरनाक से लग रहे हैं भाई। सो भाई खाउजोल में हम लोग आ गए और यहाँ पे ना पेट्रोल डलवा लिया। और भाई ये वाला पेट्रोल पंप है ना जो, ये मिजोरम पुलिस ओन करती है, और जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये मिजोरम पुलिस में काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा ये पेट्रोल पंप चलाया जाता है। ऐसा पेट्रोल पंप भाई मैंने पहली बार देखा है जो कि कोई स्टेट की पुलिस रन कर रही है भाई, यूनिक है भाई, मतलब ट्रैवल करो ना क्या क्या देखने को नहीं मिलता। नहीं ऐसा आपके स्टेट में या इंडिया के किसी स्टेट में ऐसा है कि वहाँ की जो स्टेट पुलिस है वो पेट्रोल पंप रन करती हो? अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। सो गाइस हम लोग फिर से जंक्शन में आ गए और अब जा रहा हूँ चंपाई की तरफ को। खुमलोंग शहर मैंने छोड़ दिया पीछे,
यहाँ का यही सीन है भाई, जो सिटी है ना मेन सिटी की रोडें काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं अंदर की, लेकिन बाहर जैसे आप निकलोगे हाईवे पे आओगे, हाईवे ऐसा है छोटा छोटा, ये स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे नहीं है। मेरे को ना विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कुछ दिन बाद ना इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे होऊंगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग म्यांमार के अंदर भी एंटर करेंगे भाई। ये म्यांमार जाने वाले रास्ते तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सदियों से इन पे कोई चला नहीं होगा। वेलकम टू तुई पुई। बच्चे उठ गए भाई गाड़ी बीच में से, कह रहे होंगे आज यार बहुत दिनों बाद कोई गाड़ी देखी है, कैसे रोड पे बैठे हुए थे चौपड़ी मार के, क्योंकि लोग नहीं आते होंगे ना इस तरफ से यार। सो गाइस हम लोग थाउजौल डिस्ट्रिक्ट से एग्जिट कर रहे हैं और इन बीच में एक रिवर है। अब हम यहाँ की जो लास्ट स्टेट है ना, इंडिया की लास्ट स्टेट चंपाई, वहाँ पे एंटर करने वाले हैं। ये लो जी स्टेट कह रहा हूँ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, नाउ वी आर इन चंपाई डिस्ट्रिक्ट। तुई पुई ब्रिज क्रॉस करके हम लोग चंपाई में आ गए हैं। भाई साहब अभी जो रास्ते से मैं आया हूँ ना, उन रास्तों को देख के लग नहीं रहा था कि इन रास्तों पे कोई आता होगा भाई। रोडों पे ना लिटरली काई जमी हुई थी, काई। या तो कोई और रास्ता होगा भाई इस तरफ आने का, ऐसा हो सकता है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं चोंगथाई में, चोंगथाई नाम है या इसका चोंगथाई नाम है। इसके बाद जो लास्ट शहर है जहाँ के लिए हम निकले हुए हैं ना, चंपाई, वो पड़ेगा भाई। चंपाई के बाद तो म्यांमार लग जाता है। तो भाई ये कौन सा रोड है और मैं कहाँ से आ रहा हूँ? सो गाइज हम लोग चंपाई पहुँच गए, मतलब चंपाई है ना ऊपर का जो रास्ता है चंपाई के लिए जा रहा है, और जो नीचे का जो रास्ता है वो जा रहा है जोकावातार के लिए। हमको जोकावातार ही जाना है, लेकिन मेरे को ना म्यांमार के अंदर एक लेक है, उस लेक में जाना है। अब वो लेक में जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, देखते हैं क्या होता है। उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है जो असम राइफल सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, यहाँ पे BSF नहीं, यहाँ पे असम राइफल है। तो देखते हैं क्या होता है, हमको परमिशन मिलती नहीं मिलती। बाकी यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट पे रुके हुए हैं। यहाँ पे एक सामने एक चाय की दुकान है, तो यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद आगे को निकलेंगे, या तो चंपाई की तरफ को जाएंगे या जोकावातार की तरफ जाएंगे, देखते हैं क्या रहता है। तो जो म्यांमार का बॉर्डर है ना, बीच में एक ब्रिज पड़ता है, तो उस ब्रिज तक तो हम लोग विदाउट किसी रोक टोक के जा सकते हैं, उससे आगे जाने के लिए परमिशन लगता है, तो उसका देखेंगे क्या होगा। बाकी अभी यहाँ पे एक दीदी का दुकान है, ये बर्मीज दीदी हैं और ये मीजो हैं, इनकी दुकान पे रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। दीदी इधर इधर मुकर के एक बार हाई कर दो। नहीं दीदी को शर्म आ रहा है भाई, दीदी शर्मा रहे। अच्छा कोई बात नहीं, दीदी अभी पान बना रहा है देखो। चलो कोई बात नहीं, दीदी थोड़ा पहले फिर फ्रेंडली हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा दीदी को थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली करते हैं, उसके बाद दीदी से बात करेंगे। दीदी बहुत अच्छा है और इनको हिंदी भी बहुत अच्छा आता है। भाई साहब ये वाला ना चेक पोस्ट है म्यांमार से, मतलब उस तरफ से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर इनकी तगड़ी चेकिंग होती है। और भाई साहब इतनी भयंकर चेकिंग होती है ना, पुलिस वाले पूरा अंदर एक एक डब्बा खोल खोल के देखते हैं रैंडम, बड़ी तगड़ी। अब देखो चंपाई तो जा रहे इधर के लिए, अब नीचे जा रहे हैं जोकावातार पड़ता है लास्ट में, सबसे पहले पड़ेगा जोटलांग, फिर रुंतलांग, उसके बाद जोकावातार। तो हम लोग जोकावातार तो नहीं पहुँचेंगे आज, उससे पहले कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। बताओ यार हम म्यांमार की तरफ को जा रहे हैं। क्रेजी भाई साहब, मुझे ना सोच सोच के बड़ी खुशी हो रही है। क्रेजी सीन है भाई, इंडो म्यांमार रोड मुवाल नुआम। भाई इधर के भी लोग काफ़ी मॉडर्न है यार, मॉडर्न मतलब इनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिंग है। लेकिन यहाँ पे ना मीजो ट्राइब के लोग रहते हैं जो मेजरली हैं, लेकिन यहाँ के जो मीजो है ना इनकी हाइट जैसे चकमा लोग होते हैं ना उनकी तरह, चकमा लोगों की हाइट थोड़ा कम होती है। चकमा लोग में भी आपको लंबे मिल जाएंगे लेकिन मोस्टली उनमें छोटी हाइट के होते हैं, और मीजो लोग में भी छोटे मिल जाएंगे लेकिन मोस्टली लंबे होते हैं। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं ना ज़्यादातर लोग अपने आप को बर्मीज बोलते हैं, क्योंकि ये लोग किसी टाइम पे बर्मा से आके यहाँ पे बसे होंगे, तो ये बर्मीज मीजो हैं। म्यांमार में भी मीजो ट्राइब के लोग रहते हैं, काफ़ी रहते हैं, जिनकी दुकान पर मैंने बैठ के चाय पी थी, तो वो बता रहे थे कि मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो कि म्यांमार में रहते हैं, और काफ़ी दिनों से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं म्यांमार, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ना इस टाइम पे अच्छी नहीं है। आज से कुछ दिन पहले ही, मतलब एक हफ्ते पहले तक आप लोग मतलब ये म्यांमार के अंदर गाँव में ईजिली जा सकते थे, जैसे कि हम लोग नेपाल में चले जाते हैं ना उस टाइप से। लेकिन कुछ टाइम पहले ना म्यांमार में यहाँ के एक बंदे को
उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के क्या करा पता नहीं, लेकिन पकड़ लिया वहाँ के लोगों ने। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो असम राइफल डिपॉइंट है ना, असम राइफल ने आना जाना बंद कर रखा है, एक हफ्ता हुआ उस चीज़ को। लेकिन देखते हैं, हमको जो लेक में जाना है वो म्यांमार के अंदर पड़ती है, वहाँ पे लोग जाते हैं इंडियन साइड से भी और म्यांमार साइड से लोग इधर को आते हैं। तो देखते हैं कि हम लोगों को जाने देंगे नहीं जाने देंगे, देखा जाएगा। सो भाई, इस जगह का नाम है रुतलांग, जहाँ पे अभी हमें चंपाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और यहाँ पे ना मुझे अभी एक बोर्ड लगा दिखा, कैंपिंग साइट। तो पहली बार कोई ऐसी जगह देखी है मैंने कैंपिंग साइट करके, तो देख के आते हैं अंदर कैसी जगह है। अच्छी होगी तो कैंपिंग कर लेंगे, वरना थोड़ा आगे चलेंगे। कैंपिंग सेंटर जड़नस, मुझे लग रहा है कोई ना व्यू पॉइंट होगा जहाँ से पूरा जगह दिखती होगी। लेकिन हमको हमको ऐसी जगह चाहिए यार जहाँ पे हम लोग अपना चार्ज कर पाए, है नहीं? पहले जगह देख के आते हैं कैसी है। नो मिजो, नो हिंदी इंग्लिश, आई कैन ट्रांसलेट। ओके, व्हाट इज दिस प्लेस? चलो आपसे मिजो में ही बात करते हैं। ही हुम ही एंग एंग नेंग नी, कैंपिंग सेंटर। कैंपिंग सेंटर, ओके। हिताई हियान का कैंप का पिच थे आंग एम कैंपिंग थे आंग ओ कैंपिंग गोम दो का पेक आ नेगी आनी। ऐसा ऐसा कर रहा है। फाइनली हमको ना अपने रहने के लिए जगह मिल चुकी है, और एक दिन के लिए नहीं, दो तीन दिन के लिए मैंने यहाँ पे अपना जुगाड़ कर लिया। मस्त जगह है यार, यहाँ पे सब कुछ है, मतलब लाइट भी है, इंटरनेट भी है, और पानी भी है, कपड़े वपड़े धोने के लिए सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी भाई, ठीक है। और ऐसी कुछ लोकेशन है, ये है भाई जड़नस कैंपिंग सेंटर। तो यहाँ के जो डायरेक्टर है ना, उनसे मेरी बात हो गई है, यहाँ के जो केयर टेकर है वो मिजो जानते हैं ओनली, तो उनको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आ रही थी। तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत बात करी गूगल ट्रांसलेटर से, लेकिन नहीं समझ में आ रही थी उनको। फिर उन्होंने फ़ोन लगाया अपने डायरेक्टर को, जो कि ये पूरा प्रेसिडेंट होंगे यहाँ के, फिर उनसे बात हुई, इंग्लिश में बात हुई उनसे। तो उन्होंने मेरे से पूछा, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर हूँ, दिल्ली से आया हूँ, पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, रुकने के लिए जगह चाहिए। तो कह रहे होटल में रुक जाओ। तो मैंने बोला कि मैं होटल में नहीं रुकता हूँ, मुझे कैंपिंग करनी है, तो कैंपिंग करने के लिए अगर आपके पास कोई जगह हो तो दे दो। तो उन्होंने बोला हाँ, मतलब इस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत पोलाइट होकर बात करी थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप यहाँ पे रह सकते हो, हम आपको जगह दे देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को आपको कुछ पे करना पड़ेगा? कह रहे नहीं नहीं, एक रिलीजियस प्रॉपर्टी, बस आप अल्कोहल अंदर ड्रिंक मत करना। मैं कहा वैसे भी नहीं करते। ओके हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आने वाले 3 से 4 दिन रुकेंगे, बाकी वो डिपेंड करता है, मैक्सिमम 3 से 4 दिन रुकेंगे। वैसे मैं अभी 2 दिन का सोच के यहाँ पे रुका हूँ। तो ये ना वैसे एक रिलीजियस चर्च बोल लो, चैपल बोल लो, जैसे अपन लोगों का मंदिर गुरुद्वारा होता है ना, जिसमें काफ़ी सारी गैदरिंग होती है, लोग इधर उधर से आके इकट्ठे होकर बैठते हैं, कोई भी इवेंट होता है, ये वैसे टाइप का कुछ है। सामने चैपल है, चैपल मतलब टेम्पल क्रिश्चियंस लोगों का। और मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो मुझे बता देना यार। तो इस तरीके से सामने ना ये सारे यहाँ पे रूम्स वगैरह बने हुए हैं, ये यहाँ पे इनका किचन है, और इधर भी रूम्स हैं, इधर ऊपर भी रूम्स हैं, और इधर भी रूम्स हैं। तो यहाँ पे जैसे इनकी गैदरिंग होती है, कोई भी इनका रिलीजियस इवेंट होता होगा, कोई फेस्टिवल होता होगा, तो उसमें सारे लोग आके यहाँ पे रहते होंगे। सामने डाइनिंग हॉल है, और उधर नीचे किचन है, और ये भाई जी यहाँ के केयर टेकर हैं, और इनको यहाँ पे 3-4 लोग रह रहे हैं, मतलब एक पूरी फैमिली रह रही है, ये चौकीदार भाई हैं यहाँ के, चौकीदार लिखा है ना ऊपर। लेकिन इनमें से किसी को भी इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं आती है भाई साहब। बहुत मज़ा आने वाला है इनके साथ में, जो कॉन्वर्सेशन होगी ना बहुत फनी होगी, नेक्स्ट लेवल की होगी। तो अभी उन्होंने हमारे लिए ऊपर एक रूम बनाया है, ये वाला रूम है, उन्होंने अभी क्लीन वगैरह किया, मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ। और भाई साहब जो व्यू है ना यहाँ से, अभी तक का पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बेस्ट व्यू भाई, सबसे बेस्ट व्यू दिखाता हूँ आपको। आप भी बोलोगे कि भाई किस्मत वाला है तू, क्या 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 जगह पे तू रह रहा है। और मैं ना अभी थोड़ा सा सिटी से बाहर आया हूँ, भाई साहब मस्त जगह है। ये है जो जगह जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं, देख लो भाई कैसी है जगह, मज़ेदार। और अपना हो गया यहाँ पे 3 दिन का जुगाड़, 3 दिन हम रह सकते हैं, और ज़्यादा भी होगा तो फ़ोन करके बोल देंगे कि हमको और दिन रहना है, ठीक है। अपना सामान यहाँ छोड़ेंगे, ताला मारेंगे और आके रुकेंगे। और इस सामने का व्यू देखो भाई, भाई साहब क्या शानदार व्यू है यार, ठीक है। ये जो सामने टॉप पे आपको दिख रहा है, ये चंपाई टाउन है, मेन चंपाई टाउन है,
जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होती है ना, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट चंपाई डिस्ट्रिक्ट है और उसका वो टाउन चंपाई सिटी वो है, ठीक है। बाकी ये भी एक दूसरा टाउन है, क्या नाम है इसका, रोहतांग, इसका नाम है रोहतांग। और फिर रोहतांग के बाद एक जोटलांग आता है, फिर जोकावतर आता है सबसे लास्ट में, ऐसा कुछ सिटी है भाई, बहुत खूबसूरत है भाई। और ना एक टेरिस भी है, मैं आपको अभी टेरिस दिखाता हूँ, टेरिस पे लेके चलता हूँ, टेरिस से व्यू देख के आते हैं कैसा है। और इन्होंने हमको ना 3-4 रूम दिखाए कि आप इसमें रह लो उसमें रह लो। एक तो उन्होंने वो वाला दिखाया मेरे को, ठीक है, एक ये वाला रूम दिखाया, एक यही वाला जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो मेरे को यही वाला पसंद है, काफ़ी बड़ा सा स्पेस है, जैसे अपने कपड़े उपड़े धो के ना सुखा भी सकते हैं आराम से भाई। सब ये देखो, हम लोग अब टेरिस पे आ गए। ओ भाई क्या गजब के नज़ारे हैं, यहाँ देखो वैसे तो ये जगह ना हमारे पास 3-4 दिन के लिए रहने वाली है, लेकिन अपने काम ना सारे निपटा लेते हैं, कुछ पेंडिंग नहीं रखना, ताकि बस मेन जो ध्यान रहे ना कंटेंट बनाने पे रहे। तो अभी ना वो जो लास्ट टाइम आपको दिखाया था ना अभी रोड पे, जो हमको ये पाइनएप्पल मिले थे एक बहुत सारी एक जगह पे, तो एक भाई ने हमको 2 पाइनएप्पल दे दिए थे। अरे भाई साहब इसने क्या डिजाइन से काटा है, फ्रूट चाट के रेडी थे क्या भाई पहले, देख लो भाई देखो भाई क्या बिल्कुल लाइन लाइन से काटा है, ऐसे काटते हैं फ्रूट चाट वाले भी, क्या बात है भाई साहब। ऐसी कुछ जगह भाई ये, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं। तो ये सारे मेरे ना गंदे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं भाई, इनको धो लेता हूँ, मेरे को ना बड़ा गंदा लगता है ऐसे गंदे कपड़े रहते हैं ना सारे कपड़े, मेरे कपड़े भी बहुत सारे हैं भाई। यहाँ पे देख रहा हूँ एक वॉशरूम इधर है, एक वॉशरूम इधर है, यहाँ भी एक बाल्टी रखी हुई थी निर्मल में डाल के भाई साहब पानी कर लिया, यहाँ पे भी अब इनको धो लेते हैं, कपड़े भिगा देते हैं बढ़िया तरीके से। भाई ना यहाँ पे अनानास काट दिए, खा के देखते हैं कैसा है, कैसा भाई, हम भी खा के देखते हैं। और चाट मसाला था हमारे पास में, बढ़िया से मसाला वसाला डाल के फिर खा रहे हैं। भाई साहब एक बात तो बोलनी पड़ेगी, मिजोरम के जो ये है ना अनानास, एक नंबर, ऐसे अनानास तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए भाई, बिल्कुल खट्टा मीठा, इतना तगड़ा फ्लेवर है ना खट्टे मीठे का, और दूसरा जूसी भाई, बहुत ज़्यादा जूसी है। हम ना टोटल 4 अनानास लाए थे, 2 टिकलू भाई को मिले थे, 2 मेरे को मिले थे, तो 2 हमने यहाँ पे जिनकी जो यहाँ पे केयर टेकर है ना उनकी फैमिली को दे दिए 2 अनानास, 2 हमने अपने पास रख लिए। ये सामने जो टाउन देख रहे हो ना, ये मेन चंपाई टाउन है, और ये रोहतांग, क्या नाम है इसका पता नहीं, यह नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार इन जगहों का ना, ये जिस टाउन में हम रह रहे हैं वो ये टाउन है भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब वैसे जो मैं देख रहा हूँ ना, वैसे तो कुछ अलग ही लग रहा है, अभी कैमरे में ना उतना कुछ रिकॉर्ड हो नहीं रहा, मॉर्निंग में आपको सुबह यहाँ पे जब होगी ना भाई क्या तगड़ा व्यू आएगा, पर पूरा 360 व्यू है यहाँ से, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ तक दिखता है। लो भाई एक बाल्टी कपड़े की यहाँ भर गई है, एक बाल्टी कपड़े की यहाँ भर गई है, अभी थोड़ी देर इनको भीगने देते हैं, उसके बाद फिर इनको धो दूंगा, अभी धो दूंगा रात में यार, कल की टेंशन नहीं चाहिए। तो भी अपने कपड़े भी निकाल दे, तेरे भी भेजा दूंगा ना, एक में मैंने 2 बाल्टी में डाल दिया निर्मा, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए व्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी मिजोरम की जो सीरीज़ है ना वो अच्छी लगी होगी। अब 4-5 व्लॉग और आएंगे अभी मिजोरम के, उसके बाद हम लोग मणिपुर में घुस जाएंगे, और मणिपुर में आपको और ज़्यादा मजा आने वाला है। तो आप लोगों ने ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कमेंट ना थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ कि किस किस लोगों के कमेंट मुझे अच्छे लगे, और अभी जस्ट मैंने अच्छे कमेंट ना ऐसे सेलेक्ट नहीं किए, अभी रैंडम में कमेंट पढ़ रहा हूँ, कल से मैं ना अच्छे अच्छे जो कमेंट होंगे ना उनको सेलेक्ट करके आपको बताऊँगा। तो सब लिंडिंग डेन, अगर मैं नाम गलत बोला तो सॉरी भाई, होगा ने समय बर्बाद कर दिया, फिर भी रुकने के लिए जगह मिल गई, अच्छा लगा, आप अपना ख्याल रखना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाए जाना। राम राम भाई कह रहे हैं सबसे अच्छी ट्रिप लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर गौतम नाइस वीडियो, बेहतरीन नज़ारे। भानु रावत जी कह रहे हैं बहुत मेहनत करते हो भाई, बहुत आगे जाओगे, बहुत हिम्मत मिलती है तुम्हारे ब्लॉग देख के। जय उत्तराखंड भाई, और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सुसेन चकमा कह रहे हैं अरे भाई हम तो मिजोरम में रहकर भी इतना एक्सप्लोर नहीं किया, और आप तो बहुत आगे निकल गए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी एक्सप्लोर। थैंक यू सुसेन चकमा भाई। राजू चौहान जी कह रहे हैं नाइस व्लॉग फ्रॉम उत्तराखंड, थैंक यू भाई। हमारे रोहित पहाड़ी भाई कह रहे हैं फाइनली आपने झंडा गाड़ दिया बाबूजी, मजा आ गया, भारत माता की जय, लेकिन झंडा भी गाड़ा नहीं है अभी, म्यांमार में हम कल एंटर करेंगे भाई। वेरी इंस्पायरिंग जर्नी कह रहे हैं मुकेश कुमार जी। प्रणय चौधरी कह रहे हैं नाइस वीडियो, यू डिजर्व मच मोर व्यूज। यही तो एक
दिक्कत है ना जो बहुत बेकार लगती है कि डिजर्व करते हैं लेकिन ठीक है भाई सर टाइम पे मिले लेकिन मिले भाई। नीरज एनके व्लॉग्स कह रहे हैं लाजवाब। हरि नारायण नाइस वीडियो। अमजद अली भाई कह रहे हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से नाइस व्लॉग। थैंक यू भाई साहब। गिरते गिरते बहुत 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 बढ़िया व्लॉग बनाया। सोनल पटेल कह रही है और कौन है, एक और है इनका नाम नहीं आ रहा लेकिन गुलाबी साड़ी में है जो भी है भाई साहब, आपका नाम नहीं पता लग रहा है मेरे को। भाई बहन लेडी है, ब्यूटीफुल लेडी। आई एम लविंग इट योर वीडियोज, थ्रू योर वीडियोज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर माई मिजोरम स्ट्रीट। तो ये शायद मिजोरम के इनके आजकल डेली व्लॉग आते हैं। थैंक यू, आपका नाम भी लिखना यार, मेरे को नाम इसमें ना समझ नहीं आ रहा, यूजर करके लिखा हुआ रहा है। सुषमा जी वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग उन बोला है उन्होंने। निर्मल कुमार कह रहे हैं भाई टिकलू का साथ छोड़ दो वो लूटू बंदा है। जय बाबा विश्वकर्मा। रामचंद्र दत्ता जी कह रहे हैं डियर किशोर नेपाल दार्जिलिंग से बेटर लगता है, कुछ दिन बाद मैं भी आऊंगा भाई, जरूर आओ बहुत अच्छा है। राही 755 होगा भाई जी, खोगा खोगा, मेरा रिप्लाई नहीं किया। डियर किशोर जी यार आप तो हमारे दिल में रहते हैं भाई, डेली आप कमेंट करते हैं। ER डिबेक मॉन्डल ऑफिशियल भाई म्यांमार मत जाओ। अरुणाचल डेरी गुलाबी दिल गुलाबी दिल गुलाबी दिल, थैंक यू भाई फॉर योर गुलाबी दिल, कुछ लिखा भी करो तो मजा है यार। ठीक है तो भाई इतने कमेंट थे, अच्छे अच्छे जो कमेंट थे, बाकी लोगों ने इमोजी वगैरह बना रखी थी तो इमोजी का क्या ही मैं रिप्लाई करूं, बाकी हार्ट्स कई लोगों ने बनाया था, जितने भी लोगों ने कमेंट किया भाई थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट करते रहो, अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो। आपके सपोर्ट की प्यार की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अभी स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है ना भाई, अभी हम बन रहे हैं बने नहीं हैं, जब बन जाएंगे तब मज़ा भी आएगा, लेकिन आप अब ऐसे ना डेली ही मैं वीडियोस पे कमेंट के रिप्लाई किया करूँगा। ठीक है तो कल मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से ब्लॉग के साथ में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मिलेंगे भाई म्यांमार के ब्लॉग के साथ में, कल हम फाइनली म्यांमार के अंदर एंटर कर लेंगे या नहीं करेंगे कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और भाई बहुत रिस्की रहने वाला है म्यांमार, हालात कुछ ठीक है नहीं अभी म्यांमार के। और कल ना अभी 3-4 दिन पहले एक लड़के को, मिजो लड़के को म्यांमार के लोगों ने किडनैप कर लिया था और उसके साथ में बहुत गलत गलत चीज़ें हुई हैं, तो वो सब आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाय बाय।